गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तैयार है पढ़ने के लिए वैभव? यस मैम। ध्यान से आप लोगों को सुनना है। आज आप लोगों को समझाया जाएगा नाटक तीन शर्त। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र। तैयार है बेटा, ध्यान से आप लोगों को सुनना है क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? फिर हम प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। चलिए ध्यान से सुनिए। तीन शर्तें जो है एक नाटक है। तीन शर्तें जो पाठ है वो नाटक है। समीक्षा म्यूट करिए, समीक्षा म्यूट करिए। क्लास से जाइए आप क्लास से जाइए, आप क्लास से जाइए। क्लास में रहने की जरूरत नहीं आपको, आप क्लास से चले जाइए उठ के। जब आपका खाना फिनिश हो जाएगा तो फिर आप क्लास ज्वाइन करना। क्लास से जाइए बेटा, ये सब नहीं चलेगा आप लोगों का, बिल्कुल नहीं चलेगा आप लोगों का। आज हम मैम से बात करते हैं, इस टाइप के बच्चे जो हैं बिल्कुल क्लास में दिखना नहीं मेरे। दोबारा मेरे क्लास अटेंड नहीं करेंगे आप लोग। जिनको खाना खाना है ना, खाना खाइए जाके अंदर बैठ के। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग को लास्ट वार्निंग है। आज जब क्लास अटेंड करने यहाँ पे आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, लास्ट में भी पूरा स्ट्रेंथ मुझे उतनी ही मिलनी चाहिए। एक भी बच्चा अगर क्लास के बीच से गया तो एक्सीडेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी उस बच्चे का। और जो खाना खा रहे हैं आप लोग क्लास से चले जाइए। जिनको खाना खाना है आराम से खाना खाइए बैठ के, कोई आप लोगों को मना नहीं करने वाला है यहाँ पे। समीक्षा क्लास से जाइए, आप वीडियो ऑफ करिए अपना। तीन शर्तें जो पाठ है वो एक नाटक है, ध्यान से सुनना है। वैभव वन, वैभव वन ध्यान से सुनना है। धानवी ध्यान से सुनना, भी आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा, ठीक है? सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। तीन शर्तें जो पाठ है वो एक नाटक है। नाटक में कौन कौन से पात्र हैं यहाँ पे, कौन किन किन लोगों ने रोल प्ले किया है? गोपाल भान, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद और सूत्रधार। जो स्टार्टिंग का या बीच बीच में जो बोलता है ना कुछ कुछ चीजें, उसे सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार, अभी नाटक शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, उसके पहले सूत्रधार क्या कह रहा है ध्यान से सुनना है आप लोगों को। सूत्रधार वो बता रहा है हम लोगों को कि राजा कृष्णचंद के सभासद, सभासद का मतलब होता है कि जितने भी सभा में उपस्थित लोग रहते हैं उन्हें सभासद कहा जाता है। गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, बहुत चिढ़ते थे गोपाल से। जितने भी सभा में कार्य करने वाले लोग थे वो सभी गोपाल से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि गोपाल जो था वह बहुत हाजिर जवाब था, राजा की बहुत बातें मानता था, है ना? राजा भी उसकी बातों को सुनते थे, आगे पीछे करता था वो, इसलिए बाकी लोग उससे चिढ़ते थे। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते पर हर बार उन्हें मुंह ही खानी पड़ती। किसी न किसी बहाने वो गोपाल को परेशान करने की कोशिश करते लेकिन हमेशा उन लोग हार जाते थे। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री था, वो बहुत चिढ़ता था, वो गोपाल से बहुत चिढ़ता था, बहुत नफरत करता था वो गोपाल से। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। चंद्रभानु सोचा
कैसे भी करके गोपाल को नीचा दिखाना है। नीचा दिखाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? राजा की नजरों से गिराना है ताकि राजा गोपाल से नफरत करने लग जाए। ठीक है, उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। किसने बुलाया? चंद्रभानु ने बुलाया। चंद्रभानु गोपाल को नीचा दिखाने के लिए अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। ठीक है, चंद्रभानु, अब नाटक शुरू हो रहा है, देखिए कौन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। चंद्रभानु, खेलते खेलते अचानक, शतरंज खेल रहे हैं और अचानक क्या बोल रहा है चंद्रभानु? तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है, घमंड है ना तुमको अपनी बुद्धि का? तुम सोचते हो कि तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है वो शतरंज खेलते खेलते गोपाल से चंद्रभानु। गोपाल शांत भाव से उसकी ओर देखता है, गोपाल चुपचाप उसकी तरफ देख रहा है। चंद्रभानु फिर बोलता है, क्यों, क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो तुम? गोपाल बाण मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हैं, यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गोपाल कह रहा है, आप ठीक कहते हो, अगर मैं सोच समझकर कार्य करता हूं तो मेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब चीज मैं संभव कर देता हूं। चंद्रभानु आशिष्टा से, एकदम गंदे तरीके से बात कर रहा है उससे, तमीज नहीं है बात करने का उसे। तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते, एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। वह क्या है, गोपाल पूछ रहा है, वह क्या है? चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकोगे। चंद्रभानु कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज राजा का कुर्ता नहीं उतरवा पाओगे। गोपाल बोल रहा, वाह, या तो कुछ भी नहीं है। गोपाल बड़े से बोल रहा है, वाह, या तो कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अगर 24 घंटे के अंदर तुम राजा का कुर्ता उतरवा कर दिखा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे, शर्त मंजूर है? गोपाल भांड सिर हिलाता है और सिर हिला करके बोलता है, ठीक है, मंजूर है, मुझे शर्त मंजूर है। दोनों आपस में बातें किए और बात करने के बाद में फिर से शतरंज खेलने लग गए। ठीक है, आपस में बात करने के बाद फिर से दोनों जो हैं, कौन कौन दोनों, गोपाल भान और चंद्रभानु, फिर से शतरंज खेलने लगे। राजा कृष्णचंद की सभा, गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। शतरंज खेलने का काम तो उस दिन खत्म हो चुका, दूसरे दिन आ गए। दूसरे दिन क्या होता है कि राजा के दरबार में आना है उन लोगों को, तो गोपाल जो है वो उछलते कूदते राजा के दरबार में चला आ रहा है। गोपाल भांड झुककर प्रणाम करते हुए, अपने से बड़ों को झुककर के प्रणाम किया जाता है ना, पता है आप लोगों को, अपने से बड़ों को, आप स्कूल आते हैं तो अपने टीचर को आप प्रणाम करते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों को आप प्रणाम करते हैं। तो गोपाल भांड जो है जब राजा के दरबार में गया तो झुक करके प्रणाम कर रहा है राजा को। महाराज, महाराज, मेरे अंदर अचानक एक दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। गोपाल क्या बोल रहा है राजा से? महाराज, महाराज, मेरे अंदर अचानक एक दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। दिव्य शक्ति यानी देवी की शक्ति।
दिव्य शक्ति यानी चमत्कारी शक्ति प्रवेश कर गई है मेरे अंदर। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई भी नहीं देख सकता। मैं वो सब चीजें देख सकता हूँ जो कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। मेरे अंदर दिव्य शक्ति आ गई है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, अच्छा कोई उदाहरण पेश करो, उदाहरण दिखाओ करके कैसी शक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर, हम भी देखें। ऐसा राजा बोल रहा है। गोपाल बोल रहा है कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। राजा आनंद लेते हुए, राजा को तो पता है कि तिल है ही नहीं, आपको खुद को पता रहेगा ना कि आपके बॉडी में कहाँ पे क्या चीज है, आपके हाथ पे क्या है, आपके पैर पे क्या है, आपके अंदर शरीर पे क्या है, दाग है नहीं है, वो आपको पता है अच्छे से। राजा है, उसको भी पता है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। गोपाल बोल रहा है, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजा धीराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक तिल है जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा बोला। ठीक है, राजा बोल रहा है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और तिल अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। राजा कितने का शर्त लगा रहा है, कितने का शर्त लगा रहा है राजा, 100 रुपए का शर्त लगा रहा है। किससे लगा रहा है, गोपाल भांड से लगा रहा है कि ठीक है, अगर मेरे है ना, तुम कह रहे हो अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल होगा तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर तिल नहीं होगा तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, शर्त मंजूर है। ठीक है, बोल रहा है गोपाल, ठीक है। गोपाल अपने आप बोल रहा है, अपने से बातें कर रहा है, कभी कभी करते हैं ना हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से हम बोलते हैं, तो गोपाल क्या अपने आप बात कर रहे हो, अपने से बात कर रहे हो। महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते। आज क्या बात है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं, राजा जो है वो अपना कुर्ता उतारते हैं। राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? राजा कुर्ता उतराने के बाद पूछ रहे हैं, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? गोपाल एकदम निराश होकर के कहता है, एकदम नाटक कर रहा है वो, जैसे वो बहुत दुखी है, नहीं महाराज, नहीं महाराज। राजा खुश होकर के, तो मैं शर्त जीत गया, तो मैं शर्त जीत गया। गोपाल बोल रहा है, 100 रुपए देते हुए गोपाल 100 रुपए निकाला, महाराज को दे रहा है और कह रहा है, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? गोपाल भांड जो है वो राजा से प्रश्न कर रहा है कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। ठीक है, राजा हंसी रोकते हुए, राजा को बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा हंस रहे थे वो, हंसी को रोकते हुए कह रहे हैं, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा ले उसे वह 100 रुपए देगा। चंद्रभानु जो है वो कल सभा में कहा था मेरे सामने, वो कहा था कि गोपाल से अगर कोई 100 रुपए निकलवा लेगा तो चंद्रभानु उसे 100 रुपए देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोशिश करूं, और आज ही ये समय मिला, अवसर मिला, मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया।
राजा बोला ठीक है, कोई तो गोपाल को बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं हरा करके देखता हूं। और राजा क्या किए, शर्त जीत गए 100 रुपए का। गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करता है। गोपाल को बहुत हंसी आ रही थी लेकिन वो हंसा नहीं, वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है वो। गोपाल बोल रहा है महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा दीजिए, जरा चंद्रभानु को बुलवा लीजिए। महाराज चंद्रभानु को बुलाते हैं, चंद्रभानु सभा में आता है। राजा, चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं और तुम्हारी शर्त भी। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है कि आखिर गोपाल को राजा हराए कैसे, राजा ने गोपाल को हराया कैसे। चंद्रभानु रुपए देते हुए महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप कहते हैं तो मान लेता हूं। राजा पूरी बात बताते हैं चंद्रभानु को, जो जो हुआ जैसे जैसे हुआ पूरी बात राजा जो है वो चंद्रभानु को बताते हैं। राजा आज तो मैंने 2 शर्त जीत ली, राजा कह रहे हैं कि आज तो मैंने 2 शर्त जीत लिया, भाग्य, इसे कहते हैं भाग्य, किस्मत। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को हराकर, एक तुम्हें हराया और एक गोपाल भांड को हराया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। राजा कह रहे हैं कि यार तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो 2 लोगों से शर्त जीता हूं, एक तुम्हारे से शर्त जीता हूं और एक गोपाल भांड से शर्त जीता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। दोनों में यह साहस ना था कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। ठीक है, राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। राजमहल के बाहर चले जाते हैं और चंद्रभानु जो है वो 500 रुपए निकालता है और गिन करके गोपाल को देता है। राजा को पता नहीं चल पाया है कि उनके साथ भी इन लोग चलाकी किए हैं, उनका कुर्ता उतरवा लिए। ठीक है, और बाहर दोनों गए और बाहर जाने के बाद में पैसा गिन करके चंद्रभानु दे रहा है गोपाल को। गोपाल भांड हंसते हुए क्या बोल रहा है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूं, हाय मेरे 600 रुपए गए। चंद्रभानु को 600 रुपए का घाटा हुआ, 500 रुपए उसे गोपाल को देने पड़े और 100 रुपए उसे राजा को देने पड़े, 600 रुपए का नुकसान हुआ है चंद्रभानु का। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, दानवी अनम्यूट करिए। तैयार है आंसर के लिए? यस। चलिए, गोपाल भांड कौन था? मैम बाकी बोलो एक बार क्वेश्चन, मैम फिर बता दूंगी, मैम मैं अच्छे से सुनाई नहीं पाया। गोपाल एक मिनट में टीवी बंद कर। गोपाल भांड कौन था समझाया गया, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट नहीं बोलोगे आप, आप आंसर दोगे हमें। गोपाल भांड कौन था? गोपाल एक आदमी, सॉरी मैम, गोपाल एक, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए दानवी, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए आंसर देने में। 2 times 3 times पार्ट रिपीट हो रहा है, रिवीजन चल रहा है और आपको ये भी पता नहीं कि गोपाल भांड कौन था, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मेरी क्लास में अगर आप लोग रहते हैं तो आंसर देना चाहिए, देने के लिए तैयार रहिए आप लोग। जो बच्चे अब्सेंट रहे बिना कारण के अब्सेंट रहे, बिना रीजन बताए कोई भी अब्सेंट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं यहाँ पर। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया बताइए धानवी,
चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? क्योंकि क्योंकि चंद्रभानु ने धानु में भी आपसे और पूछेंगे, हम आंसर तैयार रखिए। अभी पूछूंगी आपसे और क्लास से नहीं जाएंगे आप। शौर बताइए बेटा, अनम्यूट करिए शौर। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड एक सभासद था। गोपाल भांड एक सभासद था और राजा का बहुत ही ज्यादा क्या था, वो शुभ चिंतक था। ठीक है। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्या करने के लिए बुलाया था? खाना खाने के लिए बुलाया था कि कुछ और करने के लिए बुलाया था? चंद्रभानु ने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए बुलाया था। अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया था। ध्यान से सुन लीजिए, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो ध्यान से सुन लीजिए। कोई दूसरा बच्चा जब बताता है तो आपको ध्यान से सुनना है कि वो क्या आंसर दे रहा है। धानवी आंसर दीजिए, आप अनम्यूट करिए। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? चंद्रभानु गोपाल को इसलिए बुलाया शतरंज खेलने के लिए। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। गोपाल भांड कौन था? गोपाल। अभी बताया गया है, अभी शौर्य आंसर बताया है गोपाल भांड कौन था। अब भी शौर्य ने आंसर दिया है, एक मिनट भी नहीं हुआ है। दानी बेटा पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही आपकी, बिल्कुल आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। निश्चय अनम्यूट करिए। इसमें चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? मैम चंद्रभानु ने मैम राजा की कुर्ता उतारने को कहा। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? सभा में राजा का कुर्ता उतारने। पूरा आंसर कंप्लीट नहीं है आपका, ऐसे आप आंसर लिखोगे क्या? कुर्ता उतारने के लिए कहा, ऐसे आप आंसर लिखोगे कॉपी में? एक नंबर भी नहीं दूंगी आपको मैं, वन मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा ऐसी आंसर अगर आप लिखे तो। सोच लेना आप लोग। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई बताइए, क्या शर्त लगाई? निश्चय क्या शर्त लगाई बताइए। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई थी? नहीं पता आपको, आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना। आरुष आंसर कंप्लीट करिए, आरुष सबमिट करिए। बताइए सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त रखी थी, क्या कहा था वो सभा में? आरुष आंसर कंप्लीट करिए। दक्षिता अनम्यूट दें बेटा। यस मैम। अनम्यूट दें। क्वेश्चन, चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से राजा का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त रखी थी? सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त रखी थी?
गोपाल से जो गोपाल से जो गोपाल से 100 रुपया निकलवा लेगा उसको वो 100 रुपया देगा। यस गुड वेरी गुड। क्लास से नहीं जाना है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो भी आप लोगों को क्लास में प्रेजेंट रहना है, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा बच्चा। आरुष तैयार होइए आंसर के लिए, अनम्यूट करिए आरुष, अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। क्लास में नहीं थे क्या अभी बेटा? क्लास में नहीं थे, क्लास में आप नहीं थे। 2-3 times आपका नाम दिया गया है, ठीक है। चंद्रभानु कितने रुपए से हारा? चंद्रभानु कितने रुपए से हारा? चंद्रभानु कितने रुपए से हारा? नहीं पता आपको आंसर? बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मत करिए आप लोग, कोई मतलब नहीं पढ़ने का आप लोगों को, ठीक है। नविया अनम्यूट करो बेटा। नविया आंसर देना है आपको, अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए चंद्रभानु कितने रुपए से हारा? कितने रुपए से हारा चंद्रभानु? 50 रुपीज से। कितने रुपए से? 100। अच्छा गुड। क्लास में आप स्टार्टिंग से आया ना, हमने समझाया ना पाठ को अच्छे से, आपका ध्यान कहाँ था? आपका ध्यान कहाँ था नव्या? आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे हो बताइए मेरे को? पूरा टीचर का कंप्लेन आ रहा है, किसी भी क्लास में ढंग से आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे बताइए? अभी आंसर आप सुनेंगे, दूसरे बच्चे से पूछ रही हूं मैं। वैभव आंसर बताइए, अनम्यूट करिए। चंद्रभानु कितने रुपए से हारा? चंद्रभानु को कितने रुपए का नुकसान हुआ? चंद्रभानु को कितने रुपए का, कितने रुपए की हानि हुई? कितने रुपए से हारा चंद्रभानु? 100 रुपए से क्यों हारेगा भाई? चंद्रभानु 100 रुपए से क्यों हारेगा? 500 रुपए गोपाल भांड को देना पड़ा और 100 रुपए राजा को देना पड़ा, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? 600। हाँ 600, 600 रुपए की हानि हुई उसको, 600 रुपए से हारा वो। 500 तो गोपाल भांड को दिया वो जब सर है ना, हारा उससे तो, और 100 रुपए राजा को दिया वो। नविया बताइए कितने रुपए से चंद्रभानु को कितने रुपए का नुकसान हुआ? मैम 600। 600 रुपए, ध्यान देना है क्लास में, ठीक है। और जब राजा ने शर्त जीत गई तो गोपाल ने कितने रुपए दिया राजा को? 50 रुपीज। 50 रुपीज का कोई काम ही नहीं यहाँ पे, 50 रुपीज में कोई शर्त नहीं। 500। आप लोग ध्यान से प्रश्न नहीं सुन रहे हो, ध्यान से प्रश्न सुनिए। गोपाल ने जब बोला कि मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है, आप पे दाहिने तरफ तिल है ना, मैं देखना चाहता हूँ, तो राजा ने कहा कि ठीक है हम शर्त लगाते हैं। कितने कितने रुपए, कितने रुपए का शर्त लगाया गया था? क्या क्या करता रहता है? कितने रुपए का शर्त लगाया गया था? कितने रुपए का शर्त लगाया गया था ये बताइए?
मैम एक 500 रुपए का, मैम एक 100 रुपए का। हाँ 100 रुपए का शर्त लगाया गया था, तो जब राजा जीत गए, तिल तो दिखा नहीं उनके दाहिने तरफ, तिल था ही नहीं, तो राजा जब यस मैम गए तो गोपाल कितना रुपए दिया राजा को? मैम 100 रुपए। 100 रुपए दिया, गुड, यही तो पूछ रहे हैं आपसे जब से। सुइया सनम्यूट करिए। सॉरी 100 रुपए, मंसिका 500 रुपए, प्रिया 100 रुपए, सुयस कोई मैसेज नहीं। चलिए काव्या अनम्यूट करिए। यस मैम। बड़ा स्टार्टिंग से क्लास नहीं थी क्या? क्या मैम? कोई बात नहीं, चलिए। शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा, जो शर्त लगाई गई थी उसमें दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? Yes. मैम दोनों तरफ से 100-100। दोनों तरफ से कौन? नहीं मैम, शर्त में चंद्रभानु हारा वह राजा से 100 रुपए, गोपाल से 500 हारा। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान देना है क्लास में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग, मंडे को आप लोग की क्लास होगी, आप लोग का टेस्ट है मंडे को, कौन से पार्ट का टेस्ट है आप लोग को मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? कल तो आप लोग की क्लास, मंडे को आप लोग का टेस्ट है और ट्यूजडे को जीके का, जीके की क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है? जीके लेंगे हम, बुक आप लोग रेडी करके रखिएगा, सबके पास बुक है? ट्यूजडे को जीके की क्लास होगी, बुक है सबके पास? बेटा बुक है सबके पास? रेज योर हैंड जिनके पास बुक है जीके की, ट्यूजडे को क्लास हो की तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है? और मंडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे आप लोग, ओके? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, पीडीएफ बनाकर सेंड करिए हमें, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्लास में कोई भी किसी प्रकार का खाने पीने का कार्य नहीं करेगा, जो भी करना है पहले करिए आप लोग, ओके? बाय बेटा, बाय।